आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साविका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। जालौन की उड़ई कोतवाली पुलिस व एसओजी सर्विलांस टीम को 12 अगस्त 2024 को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के निर्देशन में उड़ई कोतवाल एवं एसओजी प्रभारी ने सूचना पर 12 बाइक व 4 बरामद कर 6 शातिर बाइक चोर गिरफ्तार किए। चोरी की गई बाइकों को आसपास के जिलों में बेच देते थे, साथ ही बाइकों को काट कर उनके पार्ट्स भी बेचते थे। पकड़े गए सभी बाइक चोरों का लंबा है आपराधिक इतिहास, संगीन धाराओं में कई मुकदमे हैं दर्ज। जालौन के उड़ई कोतवाली क्षेत्र के इकलासपुरा रोड से हुई गिरफ्तारी। जिला संवाददाता कुलदीप गोस्वामी, जालौन। अभी इधर कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा था कि कोतवाली उड़ई क्षेत्र में ऑटो थेफ्ट की घटनाएं बढ़ी हैं और ये ऊपर भी नोटिस की गई बात। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी रेंज द्वारा मुझे निर्देशित किया गया था कि इन अपराधियों को प्रकाश में लाकर जो चोरी गई वाहन है उनको बरामद किया जाए और इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। इस क्रम में मेरे द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उरई अजय ब्रह्म तिवारी, एसओजी प्रभारी एसआई मोहित यादव को इस कार्य पर लगाया गया था और इस कार्य का निकट पर्यवेक्षण सीओसीटी श्री उमेश चंद पांडे को लिया गया था। टीम ने कल सफलता पाते हुए 6 ऑटो लिफ्टर्स को, ये 6 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। इनके कस्टडी से कुल 12 मोटरसाइकिलें पूरी बरामद की गई और 4 कटी मोटरसाइकिलें, आधी कटी मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। कुल 16 मोटरसाइकिलों की बरामदगी है। पूछताछ से ये पता चला कि इसमें जो गैंग का सरगना है ये संदीप है, इसके ऊपर 12 का आपराधिक इतिहास है। 2 मुकदमे दिल्ली में भी वाहन चोरी के ही दर्ज हैं और शेष 6 मोटरसाइकिलें कोतवाली उरई से इनके द्वारा चुराई गई थी। बाकी बताया गया झांसी, फरुखाबाद इत्यादि जगहों से भी इन्होंने गाड़ियां चोरी की हैं। जो बरामद हुई गाड़ियां उनको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि मुकदमों से संबंधित है, उनके वादी की तलाश की जा रही है, विवेचना का अंग है, इसको गंभीरता से हम कर रहे हैं। और जो टीम इसमें सफल हुई है, हमारी एसओजी की टीम और कोतवाली की टीम, इनके इस अच्छे कार्य के लिए मेरी तरफ से 20,000 रुपए का नगद पुरस्कार की भी घोषणा की।